समस्तीपुर के कल्याणपुर में भीषण अग्निकांड में एक बच्ची समेत दो महिला जिंदा जल गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। घटना रामभद्रपुर गांव की है, जहां बीते शुक्रवार की रात घर में अचानक आग लग गई। जब तक लोग संभल पाते, उससे पहले ही आग ने आसपास के घरों को भी अपने चपेट में ले लिया और 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के रहने वाले बताया जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना के समय सभी अपने घर में सोए हुए थे। आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीणों की नींद खुली, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो समस्तीपुर की यह घटना आप देख रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 3 लोग इस अग्निकांड में झुलस गए और भीषण अग्निकांड में 3 लोग जिंदा जले हैं। और जब तक लोग संभल पाते, कुछ समझ पाते, तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। हालांकि बाद में पुलिस की टीम और अग्निशमन विभाग को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जान माल की क्षति हुई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई और हादसा इतना दर्दनाक है कि लोग सहम गए हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। समस्तीपुर की ये घटना आप देख रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के सभी मृतक जिंदा जल गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पप्पू जुड़ चुके हैं। पप्पू, एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जल गए हैं, कैसे हुई घटना, क्या घटना के कारणों का अब तक पता चल पाया है? जी, मैं बता दूं कि ये जो घटना हुई है कल्याणपुर के रामभद्रपुर गाँव की घटना है, और ये खाना बनाने के बाद चूल्हा में जो आग छोड़ देते हैं लोग या बच जाता है ना, उससे घटना बताया जा रहा है। जी पप्पू, चूंकि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, जिंदा झुलस गए हैं, क्या किसी तरह के मुआवजे का ऐलान किया गया, क्योंकि सभी लोग बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं? जी, सारे लोग गरीब परिवार से हैं, और घटना को देखने के बाद ऐसा विभत्स नजारा है कि लोग भी देखते हैं वो, उनकी आंखें नम हो जाती है और ईश्वर को याद कर रूह कलप जाता है। बट प्रशासन जो है अपने स्तर से सारी तैयारी कर रही है और कोशिश किया जा रहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा, उनके परिवार में जो भी लोग बचे हुए उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। जी पप्पू, चूंकि अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर गर्मी के दिनों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, तो क्या स्थानीय प्रशासन को किसी तरह की कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाने की कोई बात कही गई है, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो पाई कि इस तरह की घटना गाँव में अमूमन देखी जाती है, तो लोगों को कम से कम अवेयर किया जा सके ताकि इस तरह की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ना हो, क्योंकि भयंकर नुकसान होता है, जान माल की क्षति पहुंचती है? जी, अभी का जो मार्च में, मतलब फरवरी से लेके मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, वो अगलगी की घटना इस महीने में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी जो भी स्थानीय लोग हैं वहाँ पर के सामाजिक कार्यकर्ता या एनजीओ के लोग, वो लोग भी चाह रहे हैं, और उनसे बातचीत हुई है बुद्धिजीवियों की, तो उन्होंने भी बताया है कि अभी अवेयरनेस, लोगों को आग से अवेयरनेस करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो, जिससे कि अगलगी की घटना को रोका जा सके। चलिए, शुक्रिया पप्पू आपका इस खबर पर पूरी अपडेट जानकारी देने के लिए। तो समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की ये घटना आपने देखी, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोग आग में झुलसकर उनकी मौत हो गई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, दमकल की गाड़ियां पहुंची, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जान माल की क्षति पहुंची है। जरूरत है ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अगलगी की घटनाएं होती हैं, वहां पर प्रशासन के तरफ से, स्थानीय लोगों के तरफ से जागरूकता कार्यक्रम चलाने की, ताकि इस तरह की घटना ना के बराबर हो।